विभूतिपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को गैंगरेप के बाद नग्न कर पोल में चांगने की हृदय विदारक घटना के खिलाफ महिला संगठन एपवा के जिला स्तरीय प्रतिवाद दिवस के आह्वान के दौरान संगठन के बैनर तले शुक्रवार को शहर के विवेक विहार मोहल्ला में प्रतिवाद धरना प्रदर्शन किया। मौके पर गैंगरेप के अपराधियों को गिरफ्तार करने, महिला का संपूर्ण इलाज सरकारी खर्च पर करने, पीड़िता एवं परिजनों को सुरक्षा देने, पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर रोक लगाने आदि की मांग को लेकर महिला संगठन एपवा ने पुलिस प्रशासन एवं भाजपा जदयू की सुशासन सरकार के खिलाफ नारे लिखे। कार्डबोर्ड अपने अपने हाथों में लेकर एपवा नेताओं ने लॉकडाउन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में एपवा जिलाध्यक्ष वंदना सिंह, एपवा नेत्री नीलम देवी, स्तुति आदि ने भाग लिया। इस आशय की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जिलाध्यक्ष वंदना सिंह ने बताया कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, जिलेवासी शर्मसार हैं। बावजूद इसके एक बोतल शराब की सूचना पर सरपट दौड़े चली जाने वाले पुलिस प्रशासन इस हृदय विदारक घटना पर कान में तेल डालकर सोई हुई है। विभूतिपुर से स्वदेशवाणी के लिए अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। सरकार से सुशासन की सरकार कही जाने वाली सरकार ने कहा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, तो किस प्रकार से हम समझे कि महिलाओं की जो स्वावलंबीपन है वो बढ़ा है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, उसमें जो अपराधी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और वो इस क्षेत्र में और अपराधियों को यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिसके कारण वो अपना मनोबल और बढ़ाकर इस तरह की के मामलों को अंजाम देते हैं। बन्ना सिंह, एपवा जिलाध्यक्ष, समस्तीपुर। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।